हेलो, नहीं वी शुड बाय एक्चुअली। इनकी बॉटल बनी हुई है, ये वाइन है। अरे उल्टी मत कर देना। Hey everyone, welcome और welcome back to another vlog। So अभी आप देख रहे हो मैं एकदम रेडी होके आ चुकी हूँ और जा रही हूँ बाहर ब्रेकफास्ट में। तो यहाँ पे कुछ वेज है नहीं, तो बस नूडल्स खाया एंड चाय पी विदाउट मिल्क। और अभी हम जा रहे हैं बाहर। गाइज़ ये देखिए हम एक शॉप पर रुके हैं, ये यहाँ की लोकल शॉप है और यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हमें दिख रही हैं यहाँ की जो लोकल होती हैं। चटनी दिख रही है, केयरिंग्स दिख रहे हैं और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। यहाँ से हम देखते हैं क्या लेते हैं, काफ़ी सारा आइटम है। और आपको जो ये दिख रहे हैं ना, ये लंबे लंबे, ये कुछ अजीब से दिखने वाले बट ये एक्चुअली ड्राई फ्रूट्स हैं इनके अंदर। ऊपर से मैं जो ग्रेप्स होता है उसका फल जो होता है ना ऊपर से लगाया गया है। ये देखिए यहाँ पर बहुत सारे स्पाइसेस भी रखे हैं, बहुत सारे आइटम हैं, मतलब समझ नहीं आ रहा क्या क्या है। और ये जो हाथ में लिए हुए हैं ना, ये आम पापड़ है, जैसे हमारे यहाँ आम पापड़ होता है ना वैसे ही है, बट ये बहुत ज़्यादा पतला है। सो चलिए देखते हैं टेस्ट करके, अगर हमें कुछ अच्छा लगेगा तो हम ले भी लेंगे। क्या है ये? ड्राई फ्रूट्स है ना? नहीं, हम खा चुके हैं। ये अच्छा है, ये आम पापड़ है। आम पापड़ देखो। तो कौन सा ब्लैक वाला अच्छा लगा? ठीक है, व्हाइट ग्रेप्स। White grapes. Grapes? White grapes. देखिए इससे आप वाइन पी सकते हैं। हॉर्न से ऐसे नहीं पीना होता, इसको ऐसे पीना होता है। कैसे? ओ ऐसे पीना होता? नहीं, यहाँ पे है ना, ये देखो होल है, वहां से डलेगी वाइन, यहाँ से पियेंगे। तो हमने यहाँ से चटनी ली है और अभी हम जा रहे हैं। इस द चर्च नेम? What is the church name? तो गाइज अभी हम काकेती आ गए हैं यहाँ पर चर्च देखने। ये मतलब बहुत ओल्ड चर्च है, यहाँ बहुत ज्यादा पीस है, एकदम शांति है। सबसे पुरानी चर्च बोला था ना, 200 साल पुरानी बोला था। जो यहाँ पर क्रिश्चियनिटी लेकर आए थे ना, उन्होंने ये चर्च बनवाया था। सो हम अभी जा रहे हैं अंदर। बहुत सुंदर है ये तो। 226 साल पुराना चर्च है। 226 साल पुराना? एक्चुअली क्या था, जो ये
जॉर्जिया सेकंड नंबर की कंट्री है जिसने क्रिश्चियनिटी को अडेप्ट किया, ठीक है, मतलब अपनाया था। तो जो क्रिश्चियनिटी को यहाँ लाए थे उन्हीं ने चर्च बनाया था। हाँ हाँ, तो सबसे पुराना चर्च है जॉर्जिया, लेकिन है तो बहुत सुंदर ही। हाँ, रेनोवेट किया होगा। ये बहुत होली प्लेस है यहाँ के लिए, जॉर्जिया के लोग। ये मतलब अभी तक का सबसे सुंदर चर्च है, अभी तक जितने भी चर्च अपन लोगों ने देखे ये सबसे ब्यूटीफुल है, सबसे ज्यादा ब्यूटीफुल है। वाह, अच्छा वो होगा पुराना, ये नया बना होगा। यहाँ पे दो आया, कुछ नया भी बनाया उन्होंने, पुराना ही पुराना होगा वो वाला। वो जो वहां देख रहा ना। अरे यार ये आगे आगे, यहाँ देखिए फोटोग्राफी चल रही है। ये रहा चर्च, अभी हम जाते हैं अंदर, और चर्च के अंदर वीडियो बनाना अलाउ नहीं है, सो हम अंदर नहीं बनाएंगे। 15 मिनट्स लेट, चर्च देख लिया, अभी हम जा रहे हैं उस वाले चर्च में। वे पीछे देख रहे हैं आपको, इस वाले चर्च में जाएंगे। ये वाला चर्च बहुत सुंदर था, अंदर से बहुत ही सुंदर लग रहा था। आई थिंक ये वाला पुराना है जो ये पीछे दिख रहा है ना, चर्च शायद पुराना होगा, ये तो अभी नया बना हुआ है। ये बहुत सुंदर है देखने में, अभी हम जाने वाले हैं इस वाले चर्च में। यहाँ बहुत ज़्यादा शांति है, मतलब अगर कोई बोल रहा है ना तो उसकी आवाज़ सुनाई दे रही, इतनी ज़्यादा शांति है, बहुत प्यारा है। यहाँ से ले आओ, हाँ अच्छा इसमें से ले आओ। ये आगे तो बहुत सुंदर है। वाह, उस साइड ये रहा ये वाला चर्च, और यहाँ तो कुछ ज्यादा ही सुंदर है। ये देखिए कितना सुंदर, माय गॉड, हम जा रहे हैं दूसरे वाले चर्च में, इस वाले चर्च में। और ये सच में होली प्लेस भी है, लेकिन इतनी सुंदर है, सुंदर भी बहुत है और बहुत पीस है, इतनी शांति है कि मतलब लोगों के बोलने की भी आवाज नहीं आ रही। प्रियंका जी लावा, तो चलो हम अंदर जा रहे हैं, ठीक है, आके मिलते हैं। अभी हमने चर्च घूमा, फिर इसके बाद हम जाने वाले हैं वॉल देखने, जो कि सेकंड नंबर पर सबसे बड़ी वॉल है पूरे वर्ल्ड की। फिर उसके बाद हम जाने वाले हैं वाइन, जहाँ पर वाइन बनाते हैं, वाइनरी। एक्चुअली वाइन बनाते नहीं है इस मौसम में, लेकिन वाइनरी जाएंगे, वाइन यार्ड नहीं जाएंगे, लेकिन वहाँ पे वो हमें बहुत सारी वाइन टेस्ट करा सकते हैं अगर आपको टेस्ट करनी है, और उसके बाद आप वहाँ से खरीद भी सकते हो अगर आपको खरीदनी है। एंड जॉर्जिया में ही वाइन ओरिजिन हुई थी, तो यहाँ की वाइन ऑब्वियसली स्पेशल भी होगी पूरे वर्ल्ड में। और यहाँ पर ज्यादातर लोग मतलब अल्कोहल में सिर्फ वाइन ही, मतलब लोग ज्यादातर लोग वाइन ही लेते हैं, और यहाँ पर ग्रोसरी की शॉप पर भी आपको वाइन ही मिलेगी। यस, कोल्ड ड्रिंक की तरह यहाँ पर लोग वाइन पीते हैं। सो अभी हम जा रहे हैं, चलो वॉल देखते हैं।
तो गाइस हम जो ये वॉल देखने आए हैं ना, ये वॉल ऑफ चाइना के बाद ये सबसे बड़ी वॉल है दुनिया की, और ये जॉर्जिया के राजा ने 18 सेंचुरी में बनवाई थी अपने आप की, अपनी खुद की रक्षा करने के लिए। सो हम वही देखने जा रहे हैं। यहाँ पर देखिए मार्केट भी है थोड़ा बहुत छोटा बहुत। हाय, यहाँ पे स्टेप्स हैं काफी खतरनाक। नहीं बस इस पॉइंट पे ही खड़ा होना है शिवम, यही खड़ा होना है, दिखा दो बस। यहाँ तो फोटो भी ले पाएंगे। ये है पूरी, यहाँ से ये यहाँ दिख रही है ना। ये लेना या फिर कोई और, ये टैडी ये भी। हेलो, नहीं वी शुड बाय एक्चुअली, वी शुड बाय समथिंग। क्या पी रही हो? ग्रेप जूस। आइस। हाय हाय। So guys, हम आ चुके हैं वाइन हाउस, यहाँ पर हम वाइन टेस्ट करने वाले। ये रहा वाइन हाउस, अंदर काफी ठंडा होगा। देखिए यहाँ पर कितनी बड़ी बड़ी वाइन की बॉटल बनी हुई है। ये है वाइन हाउस। एक और चीज है, यहाँ पे इस टाइम पे वाइन बनाते नहीं है, वरना हम लोग भी वाइन बना सकते थे। हाँ, अभी गर्मी है ना बहुत। हाँ, ज्यादा। तो ऑटम के टाइम पे वाइन बना सकते हैं, शायद एक दो महीने बाद वो वाला सीजन स्टार्ट हो जाएगा, तो वे लोग वाइन बनाएंगे। अगर हम उस टाइम पे आते तो हम भी वाइन अपने आप से बना पा रहे होते। बट चलो ठीक है, लेट्स ट्राई। अभी हम लोग टेस्ट कर सकते, वैसे हम लोग अल्कोहल पीते नहीं है, बट अब आए हैं तो टेस्ट कर ही लेंगे। प्रोसेस वाइन मेकिंग वाला। हाँ, कैसे वाइन, कितना मजा आता है यार खुद से वाइन बनाते, सोचो। नहीं जॉर्जिया अपन शायद दोबारा भी आ सकते हैं, मतलब इतनी अच्छी कंट्री है, पीसफुल। लेकिन सर्दियों में। हाँ, लेकिन आप सर्दियों में आएंगे। गर्मी में नहीं, बड़े बच्चे बड़े हो जाते हैं सर्दी में। हाँ, ये देखो कितनी बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज बनी हुई है ना, सारी वाइन की बॉटलें हैं, जितने भी आपको बॉक्स दिख रहे हैं सारे के सारे इसमें वाइन है। अंदर कितने होंगे? हाँ, एक्चुअली जॉर्जिया की इकोनॉमी में वाइन एक बहुत बड़ा फैक्टर है, ये लोग बहुत वाइन एक्सपोर्ट करते हैं। और यहाँ पर हर जगह अपन लोग जितनी भी जगह गए हैं, हर जगह अपन को वाइन देखने को मिली, हर जगह। क्योंकि नॉर्मल ग्रोसरी स्टोर्स पे भी आपको वाइन अल्कोहल पूरा मिलता है। एक्चुअली रीजन बिहाइंड इट की ठंडी जगह है, ठीक है, अभी चलो गर्मी में जरूरी नहीं, लेकिन ठंडियों में लोगों को जरूरत पड़ती है, बच्चे भी पी रहे होते हैं यहाँ पे, चर्च वर्च में देखा बच्चे भी पी रहे होते हैं। ये रही स्वीट, यस। हमने यहाँ ग्लास ले लिया है, अब हम जा रहे हैं वाइन टेस्ट करने। सेमी स्वीट, स्वीट पता नहीं, देखो यहाँ बहुत ज्यादा स्मेल आ रही वाइन की, इतनी ज्यादा स्मेल आ रही। ये देखो पूरा यहाँ वाइन बनता है, काफी कोल्ड भी है। इस देखो वो -2.9 बनाने का वो है, -2.5 डिग्री सेल्सियस। दिस इज रेड सेमी स्वीट, दिस नेम इज किमलाउ, दिस इज मोस्ट पॉपुलर मोस्ट फेमस वाइन इन द वर्ल्ड। Brandy, okay, for winters basically, right?
Because this tastes sweet. Not like, sweet, strong. Strong, man. मैं तो पी नहीं मैं भी नो नहीं 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 हम मैं बहुत दवाई किधर है ना ब्रांडी तो ऐसी होती ना मुझे ठंड नहीं अपशब्द गुस्से में अपने अपनी पत्नियों को अपशब्द स्ट्रॉन्ग इट्स गुड सारी गुस्सा निकल आए आप तेरा की और तो गाइज़ अभी शाम हो चुकी है और हम अपने होटल के पास में ही आए हैं एक स्ट्रीट पर जो कि बहुत ही सुंदर स्ट्रीट है. मैंने आपको अपने लास्ट व्लॉग में भी दिखाया था. बहुत ही प्यारी स्ट्रीट है. यहाँ पर बहुत सारे रेस्टोरेंट हैं. सो हम यहीं पर अपना स्नैक्स कर खाने आए हैं. सो यहाँ पर हमने मंगवाया है समोसा एंड पास्ता. सो चलिए हम अपना स्नैक्स इन्जॉय करते हैं.